गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का साइक्लोट्रॉन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. साइक्लोट्रॉन होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, लाइक आपका प्रोटोन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, या फिर अल्फा पार्टिकल हो गया. ठीक है, मीन्स इसको आपका जो रिसर्च किया था ई ओ लॉरेंस एंड आपका एम एस लिविंगस्टन इन 1934 में. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम साइक्लोट्रॉन के बारे में बताते हैं. ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. ओके, तो देखिए आपका इट इज़ कॉल्ड साइक्लोट्रॉन. अगर प्रिंसिपल की हम बात करें तो देखिए, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को. ठीक है, तो देखिए अब आपका क्या होता है, मींस हमारे पास ये फिगर है, डायग्राम है. हमारे पास क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ ए टू मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं, D1 एंड D2. ओके, विच इज प्लेस्ड एट ए स्मॉल गैप. हमारे पास दो चैम्बर्स होते हैं D1 और D2, जो रखे हुए होते हैं एक स्मॉल गैप पर. ठीक है, और कनेक्टेड होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से. और ये दो डीज होती हैं, ये रखी होती हैं आपका मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में. और एक आपका डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगी होती है D1 चैम्बर से. ठीक है, कुछ ही डिस्टेंस पर एक टारगेट रखा हुआ होता है. तो देखिए हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, मींस ए साइक्लोट्रॉन, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक चैम्बर्स. चैम्बर्स होते हैं D1 एंड D2, which is called D's. These D's is placed at small gap and small gap and connected to high frequency oscillator. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डीज हैं आपका, दीज डीज इज प्लेस्ड बिटवीन टू मैग्नेट्स, ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट is placed on the chamber D1 with a target. As shown in figure. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि हमारे पास ये आपके दो चैम्बर्स होते हैं, इनको D1 और D2, यानी इनको D's कहा जाता है. ये D's आपका कनेक्टेड होती हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से, और रखी हुई होती हैं दो मैग्नेट्स के बीच में, यानी नॉर्थ और साउथ पोल. ठीक है, एक आपका डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है जो रखी होती है आपका क्या, D1 प्लेट पर,
विद टारगेट के साथ में। अगर स्टूडेंट्स हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करें तो वर्किंग में क्या होता है, देखिए, एज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एज द पॉजिटिव आयन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डीज एंड एंटर इन डी वन सॉरी एंटर इन डी टू, तो डी टू बिकम्स पॉजिटिव एंड डी वन बिकम्स नेगेटिव। मीन्स जैसे ही एंटर किया किसमें, डी टू में, डी टू बन गया पॉजिटिव और डी वन बन गया नेगेटिव। एज इट एंटर्ड इन डी वन बिकम्स पॉजिटिव एंड डी टू बिकम्स नेगेटिव। यानी आपका जिस डीज के अंदर, जिस चैम्बर के अंदर ये आपका चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं वो हो जाता है पॉजिटिव, और जिस पार्टिकल में आपका एंटर आपका नहीं करते हैं वो हो जाता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए अब आपका स्टूडेंट्स, अब हम इसकी इसका वर्किंग लिखते हैं। देखिए वर्किंग, वर्किंग में देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, देखिए कि व्हेन या फिर आपका ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, द पॉजिटिव आयन मूव स्टार्ट एंड एंटर इन डी टू चैम्बर, then D2 becomes positive and D1 becomes negative as it reach in D1 which becomes positive and D2 becomes negative this process continue till it does not reach at deflecting plate. And deflecting plate hit these particles on the target,
एंड टारगेट ब्रेकअप इंटू द स्मॉल पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, एंड टारगेट ब्रेकअप इंटू स्मॉल पार्टिकल्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इसकी थ्योरी की। थ्योरी में क्या होता है देखिए, थ्योरी में आपका क्या होता है कि जब आपके चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं यूनिफॉर्मली परपेंडिकुलर, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स नॉर्मली नॉर्मली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दिस फोर्स दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स इट मीन्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये इक्वेशन, इसमें हमने थीटा का वैल्यू क्या लिया, 90 डिग्री, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं आपका नॉर्मली। अगर हम जीरो लेते हैं तो टोटल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, इक्वेशन फर्स्ट। एंड आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है आपका, एम वी स्क्वेयर अपॉन में आपका आर। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका मीन्स एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर, और ये हो जाएगा आपका क्यू वी बी। तो देखिए वी से वी कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया देखिए स्टूडेंट्स, वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन में आपका एम। ये इक्वेशन आ गई थर्ड। तो अब देखिए, नाउ द टाइम टेकन इज गिविन बाई, नाउ द टाइम टेकन इज गिवेन बाई, इज गिवेन बाई। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा देखिए, मीन्स वी नो दैट, वी नो दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट मीन्स आपका वी इज इक्वल टू डी अपॉन में टी। तो हमें निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी पूरे उसकी पूरे सर्कल की देखिए 2 पाई आर, और आपका वेलोसिटी अपॉन में। तो ये आपका वी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन में टी। इक्वेशन हो गई फोर। नाउ इक्वेशन थर्ड एंड फोर। तो देखिए आपके पास क्या था, मींस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या था देखिए स्टूडेंट्स,
थर्ड तो था आपका वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन में एम, और आपका फोर्थ इक्वेशन क्या था, टू पाई आर अपॉन में टी। तो देखिए अब हम इसको ले लेंगे, मीन्स वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन में एम, ये थर्ड है, और आपका क्या हो गया, आपका लास्ट कौन सी है, लास्ट थी आपका वी इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन में आपका टी, ये हो गई फोर। तो देखिए अब हम इस इन दो इक्वेशंस को क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंपेयर कर लेंगे। तो आपका क्या हो गया देखिए, मींस क्यू बी आर अपॉन में आपका एम इज इक्वल टू टू पाई आर अपॉन में आपका टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका क्या, मींस टी क्यू बी आर इज इक्वल टू टू पाई आर एम, आर से आर कैंसिल हो गया, देन हमें निकालना है टी, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, टू पाई एम अपॉन में आपका क्यू बी, यानी टाइम टेकन कितना आ गया आपके पास, टाइम टेकन आ गया आपके पास टू पाई एम अपॉन में आपका क्यू बी। लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी होता है आपका मीन्स वी इज इक्वल टू वन अपॉन में टी। तो देखिए आपका क्या हो गया, मीन्स टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वन अपॉन में टू पाई एम अपॉन में आपका क्यू बी, देन ये हो गया आपका क्यू बी अपॉन में आपका टू पाई एम, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, टू पाई वी, तो वी का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ये था, तो हमारे पास क्या होगा, टू पाई इंटू क्यू बी अपॉन में टू पाई एम, तो आपका क्या हो गया, टू पाई से टू पाई कैंसल, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, क्यू बी अपॉन में आपका एम। अच्छा अब स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या है, काइनेटिक एनर्जी और निकाल लेते हैं। देखिए आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मीन्स के आई एन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका के नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, वन बाय टू एम वी स्क्वेयर, और वी का वैल्यू क्या था हमारे पास, वन बाय टू एम वी का वैल्यू था आपका, मीन्स क्यू बी अपॉन में आपका टू पाई रुको फ्रेंड्स एक मिनट, ये हमारे पास क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको कैलकुलेट करना है। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या था आपका, क्यू वी बी था, एक वी से हमारे पास क्या हो गया, एक वी कैंसल हो गया, और हमारे पास वी इज इक्वल टू क्या हो गया, मीन्स क्यू बी आर अपॉन में एम, यानी इस वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे आपका यहाँ पर, तो आपका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी वन बाय टू आपका एम, इट मीन्स क्यू बी आर अपॉन में एम। तो देखिए आपका क्या हो गया, इसका स्क्वेयर मीन्स क्या हो गया आपका, के नॉट इज इक्वल टू वन बाई टू एम क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन में आपका एम स्क्वेयर, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, मीन्स क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन में आपका टू एम, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशंस में आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका चार्ज पार्टिकल होते हैं डू नॉट मूव विद इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल
डज नॉट मूव्स विद इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन कंपेरिजन ऑफ प्रोटोन. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है, डज नॉट मूव विद न्यूट्रॉन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अच्छा, इसके यूजेस लिख देते हैं स्टूडेंट्स. अब यूजेस क्या होता है, इसका यूज किया जाता है मींस इट इज यूज्ड टू इम्प्लांट आयंस इनटू द सॉलिड. सेकेंड होता है इसका, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. Which is used in hospitals. Okay, thank you, friends.